नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल गुड क्रॉप्स में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पालक की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान भाइयों, पालक की बुआई करने का समय क्या होता है, पालक की खेती हम किस प्रकार की मिट्टी में करें, खेत की तैयारी कैसे करें और पालक की अच्छी किस्म कौन कौन सी है इत्यादि काफी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर किए किसान भाइयों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आप रवि के मौसम में पालक की खेती करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि पालक की खेती करने के लिए अनुकूल समय क्या होता है। तो किसान भाइयों, रवि के मौसम में पालक की खेती अगर आप कर रहे हैं तब हम पालक की खेती सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय में पालक की खेती काफी बेहतरीन तरीके से होती है। किसान भाइयों, अब बात आती है कि पालक की खेती करने के लिए हमें कौन सी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, पालक की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी और किसान भाइयों, पालक की खेती से हम सबसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं वो है बलुई दोमट। किसान भाइयों, इन मिट्टियों में हम पालक की खेती करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों, वही बात करें कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो किसान भाइयों, मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है खेत की तैयारी। तो किसान भाइयों, अपने खेत की तैयारी काफी अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करने के लिए हमें 1-2 जुताई कल्टीवेटर से कर लेनी चाहिए और फिर रोटोवेटर से अपने खेत को समतल करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है कि पालक की खेती करते समय हमें कौन कौन से उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि अपने खेत की तैयारी करते समय 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी चाहिए। और किसान भाइयों, अगर आपके पास सड़ी गोबर की खाद उपलब्ध हो तो 2 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जब आपकी पालक की फसल कटाई करने के लिए स्टार्ट हो जाती है तब आप उसमें 20 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं पालक की वैरायटियों के बारे में। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको ज्यादा वैरायटी नहीं बता पाऊंगा, इसलिए आपको कुछ खास खास वैरायटी बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, पहले नंबर पर आती है नामधारी की NS 1479 वैरायटी और दूसरे नंबर पर आती है सरपन की स्पिंच 11 और किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर आती है श्रीराम की ग्रीन बॉर्डर इत्यादि काफी सारी वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है, उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर बात करें कि बीज प्रति एकड़ कितना लेना चाहिए, तो किसान भाइयों, पालक की बुआई करने के लिए हमें 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लेना चाहिए। किसान भाइयों, हम पालक की खेती बेड बनाकर भी कर सकते हैं और बेड बनाकर काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बेड बनाकर पालक की खेती करते हैं तो बरसात के समय हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो किसान भाइयों, अगर आप बेड बनाकर पालक की खेती कर रहे हैं तो बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखें और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखें। किसान भाइयों, बुआई करते समय हमें 1 बेड पर 6 से 8 लाइन की बुआई करनी चाहिए और बीज से बीज की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर रखें। किसान भाइयों, अगर बात करें पालक की फसल तैयार होने की, तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि पालक की फसल 60 दिन में तैयार हो जाती है और किसान भाइयों, ये आसानी से 70 से 80 दिन तक चलती है। और किसान भाइयों, अब बात आती है इसके उत्पादन की। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी फसल की काफी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं और समय समय पर उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं तो किसान भाइयों, आपको अपने 1 एकड़ खेत से 60 से 70 क्विंटल उत्पादन देखने को मिलेगा, जो कि काफी बेहतरीन उत्पादन देने वाली फसल है। तो किसान भाइयों, आप पालक की खेती करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।